नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करो आप अपने परिवार और रिलेटिव्स के साथ अपने घर पर बैठे हो, नए साल का जश्न मना रहे हो और अचानक से एक बड़ा धमाका होता है। अब आमतौर पर धमाके की आवाज सुनकर आपको लगेगा कि कोई वॉर की सिचुएशन होगी, कोई सोशियो पॉलिटिकल क्राइसिस हो रही हो, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। 2 जनवरी साल 2023 की बात है। जोशीमठ में रहने वाले 52 साल के प्रकाश भोटियाल रात में सो रहे थे कि अचानक से उनकी नींद खुलती है एक बड़े धमाके की आवाज से। उठकर उन्होंने देखा क्या हुआ है तो उन्हें दिखा कि उनकी घर की दीवारों में बड़े बड़े क्रैक्स, कुछ ऐसी दिखने वाली दरारें जो कि किसी एक कमरे में नहीं बल्कि उनके घर के 11 में से 9 कमरों में थी। प्रकाश अपने पूरे परिवार के 11 मेंबर्स को उन बचे हुए 2 कमरों में शिफ्ट करवा देते हैं। तब से लेकर आज तक उनका पूरा परिवार इन्हीं 2 कमरों में रह रहा है। चिंता इस बात की है कि आने वाले समय में ये 2 कमरे भी सुरक्षित नहीं बचेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्रैक्स जोशीमठ में करीब 700 बिल्डिंग्स में देखने को मिले। ये पूरा शहर जमीन में धस रहा है। जोशीमठ, द सिटी व्हिच सर्व्स एज लॉर्ड बद्रीनाथ्स विंटर रेसिडेंस, इज सिंकिंग। Cracks have appeared not just in one place but in different parts of the town. These cracks have developed as a result of continued land subsidence. The 17,000 residents have been sounding the alarm about worsening subsidence. सारे किराएदार यहां से खाली हो गए। दोस्तों, जोशीमठ एक इंपॉर्टेंट जगह है। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 1800 मीटर की हाइट पर यह शहर आपको मिलेगा, जिसकी पॉपुलेशन है करीब 23,000 लोग। बद्रीनाथ श्राइन, जो कि हिंदुओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तीर्थ मंदिरों में से एक है, वो इसके काफी करीब है, अराउंड 45 किलोमीटर दूर। इसके अलावा इसके पास है ओली का नगर, जो कि स्कीइंग के लिए एक बड़ी अच्छी जगह बताई जाती है और सरकार इसे एज इंटरनेशनल स्कीइंग डेस्टिनेशन भी प्रमोट करने लग रही है। आसपास काफी ट्रैकिंग की भी जगहें हैं और इंडो चाइना बॉर्डर भी इससे काफी नजदीक है। इसी रीजन से जोशीमठ में एक मेजर इंडियन आर्मी का बेस भी है और एक स्ट्रैटेजिक रोड जो जाती है इंडो टिबेटन बॉर्डर तक। इस रोड पर भी रिपोर्टेडली बड़े क्रैक्स देखे गए, लेकिन क्योंकि जोशीमठ की लोकेशन यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट है, पिछले कई दशकों में काफी कंस्ट्रक्शन देखी गई इस नगर में, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और बाकी एस्टेब्लिशमेंट्स की। अब बात कुछ ऐसी है कि बताया जाता है कि ये पूरा शहर आज से करीब 100 साल पहले ही बसा था। यहाँ पास की पहाड़ी पर एक अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से एक लैंडस्लाइड हुई और काफी सारे पत्थर आकर यहाँ गिर गए। ओवर टाइम वो पत्थर स्टेबलाइज कर गए और इसके ऊपर ये शहर बसा। मगर प्रॉब्लम ये है कि इसी कारण से जमीन ज्यादा कंस्ट्रक्शन के लिए सही नहीं थी, स्पेशली अगर इस इलाके में डैम्स और बड़ी बड़ी रोड्स बनाई जाएंगी, हाईवेज बनाए जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए अक्सर एक्सप्लोजिव्स और ड्रिलिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। पहाड़ियों के अंदर ड्रिलिंग करनी पड़ती है, बम विस्फोट का इस्तेमाल करना पड़ता है और ऐसा करने से ये स्लोप बहुत कमजोर हो जाएंगे। साइस्मिक जोनेशन मैप ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जोशीमठ का एरिया ऐसे भी जोन 5 में आता है, अर्थक्वेक्स के लिए हाईएस्ट रिस्क जोन। जोशीमठ की बिल्डिंगों में क्रैक्स पड़ना ये कोई नई कहानी नहीं है, ये चीज काफी टाइम से देखी जा रही है। अक्टूबर 2021 की बात है कि जोशीमठ के गांधीनगर और सुनील वार्ड्स में रहने वाले लोगों ने अपने घरों में क्रैक्स नोटिस करे। फिर कुछ महीने बाद मिड 2022 में रविग्राम वार्ड के लोगों ने भी अपने घरों में क्रैक्स देखे। सितंबर 2022 में उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी और उन्होंने ब्लेम डाला इल प्लान्ड कंस्ट्रक्शन पर। उन्होंने कहा ढंग के ड्रेनेज सिस्टम्स नहीं है यहाँ पर और लोग बिना प्लानिंग के कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। मीडिया में इस इशू की बात अभी रिसेंटली ही देखी गई, क्योंकि अब प्रॉब्लम इस हद तक बढ़ चुकी है कि हर चौथे घर पर क्रैक आने लग रहा है, पूरा शहर ही अब धंसने लग रहा है। इस चीज को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता, हजारों लोग बेघर हो जाएंगे। 80 से ज्यादा परिवारों को ऑलरेडी अपने घरों के बाहर शिफ्ट किया जा चुका है और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा इवैक्यूएशन भी करी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर गलती किसकी है। टीवी न्यूज चैनलों की माने तो गलती जोशीमठ के लोगों की है। भाई, ऐसी सेंसिटिव जगहों पर घर बनाओगे तो यही होगा ना, इस तरीके से अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए थी। लोकल लोग सरकार पर ब्लेम डालते हैं, सरकार यहाँ पर बिल्डर्स और डेवलपमेंट प्लानर्स पर ब्लेम डालती है और ये बिल्डर्स ब्लेम डालते हैं इन पहाड़ों पर कि ये पहाड़ियां ही ऐसी है। एक्चुअली में देखा जाए तो वहां रहने वाले लोगों पर सबसे कम ब्लेम जाना चाहिए। अगर अनप्लान्ड तरीके से प्राइवेट होटल्स बनाए जाएंगे और बिल्डिंगें बनाई जाएंगी तो उस कंस्ट्रक्शन को रोकने का काम यहाँ सरकार का है। इसके अलावा वेस्ट वाटर डिस्पोजल को देखना और ड्रेनेज सिस्टम को मैनेज करना भी सरकार का काम है। ये बात सच है कि कुछ चीजें हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स जो आते हैं। नेचुरली अगर इरोजन होने लग रहा है, लेकिन नेचुरल कॉजेज के पीछे भी ब्लेम यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज पर जाता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से एस्टिमेट किया गया है कि अगले 2 डेकेड्स में उत्तराखंड का जो टेम्परेचर है एवरेज, वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि बर्फ पिघलेगी, रेनफॉल के पैटर्न्स बदलेंगे, फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स जैसे नेचुरल डिजास्टर्स के चांसेस बढ़ेंगे।
क्रॉप सीजन से बदलाव आएगा जिसका असर किसानों पर पड़ेगा। ये चीज तो ऑलरेडी होने भी लग रही है। 2 साल पहले का आर्टिकल कैसे उत्तराखंड के किसान ऑलरेडी माइग्रेट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। लेकिन क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक बहुत बड़ा सेपरेट इशू है। जोशीमठ की क्राइसिस पर काफी इनडायरेक्ट और काफी कम ब्लेम ही जाता है उसका, इसलिए डायरेक्ट कॉजेस पर फोकस करते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट कॉज बताया जाता है तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसकी कंस्ट्रक्शन साल 2006 में शुरू हुई थी, अभी तक इसकी कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं हुई है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की एक टनल बनाई गई थी जो जोशीमठ के नीचे से गुजरती है, एलिजिडली बताया जाता है। जियोलॉजिस्ट एमपीएस बिष्ट और पीयूष रोटेला ने साल 2010 में एक पेपर पब्लिश किया था जिसका टाइटल था डिजास्टर लूम्स लार्ज ओवर जोशीमठ। इस रिसर्च पेपर में इन्होंने मेंशन किया था कि कैसे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सिंगल हैंडेडली जोशीमठ का लैंडस्केप बदल सकता है, पूरे जोशीमठ को खतरे में डाल सकता है। ऐसा क्यों है? इन्होंने मेंशन किया कि दिसंबर 2009 में इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के वक्त जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करी गई थी, उस इक्विपमेंट ने कंस्ट्रक्शन के दौरान जोशीमठ में एक एक्वीफर को पंचर कर दिया था। अब एक्वीफर एक तरीके का अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होता है जो पत्थरों से सराउंडेड होता है। ये बेसिकली जमीन के अंदर एक बड़ा सा गड्ढा कह लो, एक बड़ा सा कुआं जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है और जहां पर नेचुरली ग्राउंड वाटर स्टोर होता है। इन्होंने कहा कि एक टनल बोरिंग मशीन इस्तेमाल की गई थी जिसने इस एक्वीफर को पंचर कर दिया जोशीमठ से करीब 5 किलोमीटर दूर। पंचर करने का मतलब क्या हुआ कि इस एक्वीफर में एक कोने में होल आ गया जहां से सारा ग्राउंड वाटर लीक होना शुरू हो गया। इन्होंने कहा कि उसकी वजह से डेली 70 मिलियन लीटर ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज होता है, 700-800 लीटर पर सेकंड। इस 2010 के पेपर के अकॉर्डिंग इतना पानी था कि प्रतिदिन 20 से 30 लाख लोग सस्टेन किए जा सकते उस पानी से। लेकिन क्योंकि और कोई ज्यादा साइंटिफिक स्टडीज नहीं करी गई इस चीज को लेकर, इसलिए डायरेक्ट कॉज इसे फॉर श्योर बताना इसका कोई प्रूफ नहीं है अभी। यही रीजन है कि NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कंपनी इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बनाने लग रही है, उन्होंने कहा है कि इस टनल से कुछ नहीं हुआ है। इस टनल को रीजन नहीं बताया जा सकता है जमीन क्यों धस रही है, क्योंकि NTPC का कहना है उन्होंने ये टनल जोशीमठ के नीचे नहीं बनाई, उन्होंने ये टनल 1 किलोमीटर दूर बनाई है जोशीमठ से और 1 किलोमीटर जमीन के नीचे बनाई है। अच्छा, दूसरी डायरेक्ट कॉज बताया जाता है एक 6 किलोमीटर लंबी सड़क हेलांग मारवाड़ी बाईपास जो कि करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये 800 किलोमीटर लंबे चार धाम प्रोजेक्ट का हिस्सा है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे साल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था एट अ कॉस्ट ऑफ अराउंड 12,000 करोड़। दिसंबर 2022 में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से दूसरी बार अप्रूवल मांगा था इस चार धाम प्रोजेक्ट के अंदर एक बाईपास को कंस्ट्रक्ट करने का, चंपावत बाईपास। दोनों बारी सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल देने से मना कर दिया। जियोलॉजिस्ट नवीन जुयाल जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड हाई पावर्ड कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने चार धाम प्रोजेक्ट को रिव्यू किया और उन्होंने कहा कि हम में से कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कि इस सड़क को नहीं बनाया जाना चाहिए जब तक जियोटेक्निकल फीजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट नहीं करी जाए इस जगह की। लेकिन हमारी सजेशंस को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया और इस सड़क को बनने दिया गया बिना किसी साइंटिफिक रिपोर्ट्स के। यहाँ पर ये हेलांग मारवाड़ी बाईपास रोड की बात कर रहे हैं। लोकल लोगों का कहना है कि उन्होंने इस रोड की कंस्ट्रक्शन के दौरान एक्सप्लोजिव्स और ड्रिलिंग को होते हुए देखा। राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम जोशीमठ। इट इज 1:52 इन द नाइट एंड यू कैन सी स्टोन क्रशिंग हैपनिंग अंडर द नोज ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब जब इसकी न्यूज इतनी मीडिया में फैल रही है तो चारधाम प्रोजेक्ट की इस सड़क की कंस्ट्रक्शन को अभी के लिए रोक दिया गया है। मैंने आपको बताया था जोशीमठ के बगल में एक और नगर है ओली नाम से जो कि एक स्की रिजोर्ट भी है, वहां पर एक केबल कार रोपवे भी है। तो इस रोपवे के जो पिलर्स हैं उस पर भी डैमेज देखा गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस प्रॉब्लम को सिंपली कहा जा सकता है द प्रॉब्लम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक ऐसी चीज जो स्कूल में हमें पढ़ाई जाती है। जो जमीन यहाँ ढसने लग रही है इस चीज को इंग्लिश में कहा जाता है लैंड सब्सिडेंस। लैंड सब्सिडेंस के पीछे कई कारण हो सकते हैं। अर्थक्वेक की वजह से अर्थ के क्रस्ट का हिल जाना ये एक नेचुरल कॉज हो गया, लेकिन मैनमेड कॉजेज भी हो सकते हैं जैसे कि ग्राउंड वाटर रिमूवल। बात क्या है, जब जमीन के नीचे से ग्राउंड वाटर खत्म हो जाता है, पानी जिन पत्थरों को और जिस जमीन को ऊपर होल्ड करके रखता है वो भी नीचे ढसनी शुरू हो जाती है। जियोलॉजिस्ट का मानना है इंडोनेशिया में जो जकार्ता शहर है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट सिंकिंग सिटीज इन द वर्ल्ड है, उसके पीछे भी 80% रीजन यही बताया जाता है।
दोस्तों आप ये शायद हैरान हो जाएंगे जानकर कि जोशीमठ में लैंड सब्सिडेंस की प्रॉब्लम को आज से ऑलमोस्ट 50 साल पहले ही आइडेंटिफाई किया जा चुका था। 1976 में एमसी मिश्रा कमेटी बनाई गई थी जिसने इस फिनोमेना के पीछे रीजंस को आइडेंटिफाई किया था। इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी, द मिश्रा कमेटी रिपोर्ट ऑफ 1976, जो की सबसे पुरानी रिपोर्ट है जोशीमठ की लैंड सब्सिडेंस प्रॉब्लम के ऊपर। इस रिपोर्ट में वार्निंग दी गई है कि यहाँ पर पड़े पत्थरों को हिलाओ मत, यहाँ खुदाई मत करो और एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल मत करो। रिपोर्ट ने यह भी पॉइंट आउट किया था कि ड्रेनेज फैसिलिटी सही नहीं थी इस नगर में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ रही थी और लैंडस्लाइड्स भी आ रही थी। इसके बाद साल 2006 में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें कहा गया कि इवेंचुअल कोलैप्स हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है पूरे शहर का, ड्रेनेज सर्विसेज को ठीक करो। फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड कमिटी ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया उत्तराखंड में कि एक सिग्निफिकेंट हैजर्ड है ये इस जगह पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाना। लेकिन क्या सरकार ने इन वार्निंग्स को सुना? 2019 में सरकार ने इंस्टेड कहा कि जो सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं 25 मेगावाट से ऊपर के, उन्हें फास्टर क्लियरेंस दी जाए, जल्दी से क्लियरेंस दी जाए और उन्हें रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स का दर्जा दे दिया जाए। रिन्यूएबल एनर्जी अच्छी बात है, लेकिन प्रोजेक्ट्स को बनाया जाना चाहिए ढंग से, यहाँ रिसर्च करके, साइंटिफिक स्टडीज कंडक्ट करके कि प्रोजेक्ट्स बनाना ठीक भी है या नहीं। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति एक ग्रुप है जो साल 2004 से एनटीपीसी के विष्णुगढ़ हाइड्रो प्रोजेक्ट पार्क के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा है। इनका मानना है कि आज जो सिचुएशन जोशीमठ में हुई है वो इस हाइड्रो पार्क प्रोजेक्ट की वजह से है। इसरो ने ये सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं जिसमें दिखाया गया है 12 दिनों में जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर धस गया है। अब जोशीमठ के साथ जो हो रहा है इसे देखकर बाकी आसपास के नगरों के लिए, शहरों के लिए एक वार्निंग साइन है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में इसके पास कई और टाउन्स हैं जैसे कि कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, इन जगहों में भी लैंड सब्सिडेंस के इश्यूज को रिपोर्ट किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसरो की नई रिपोर्ट बताती है कि इस लैंड सब्सिडेंस को रिवर्स नहीं किया जा सकता। पिछले 12 दिनों में 27 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी के बीच में टोटल 5.5 सेंटीमीटर की सब्सिडेंस हुई है जोशीमठ में। इसे आप कंपेयर करो पिछले 7 महीनों से अप्रैल से लेकर नवंबर के बीच में 9 सेंटीमीटर की सब्सिडेंस हुई थी। यहाँ पर ये फोटोज भी रिलीज की गई इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के द्वारा। देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार ऐसे फ्यूचर डिजास्टर्स को रोकने के लिए एक्शन लेगी या नहीं, क्या सरकार यहाँ जोशीमठ से सीख लेगी या नहीं। अभी के लिए सरकार ने प्रॉमिस किया है 5,000 रुपए पर मंथ पर फैमिली दिए जाएंगे जोशीमठ के परिवारों को। इसे बाद में चेंज कर दिया गया था जब उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर विजिट करने आए, 1.5 लाख पर फैमिली, लेकिन लोकल लोग डिमांड कर रहे हैं 5 लाख रुपए की कॉम्पनसेशन दी जाए। जोशीमठ की इवैक्यूएशन अभी करी जा रही है और एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं इवैक्यूएशन के बाद यहाँ पर रीप्लानिंग करी जाए ड्रेनेज सिस्टम की, रेन वाटर आउटलेट्स की और रॉक स्ट्रेंथ की एक असेसमेंट की जाए कि यहाँ के पत्थर कितने सस्टेन कर सकते हैं। अगर आपको डर है कि आपके रहने वाले एरिया में लैंड सब्सिडेंस की प्रॉब्लम हो रही है तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हर छोटा मोटा क्रैक जो आपकी घर की दीवारों में आता है उससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर जमीन धस रही है तो जो क्रैक्स होंगे वो कम से कम 3 मिलीमीटर से ज्यादा बड़े होंगे। ये क्रैक्स अक्सर ऊपर जाकर चौड़े हो जाएंगे और नीचे थोड़े पतले होंगे। ये क्रैक्स इंटरनली भी दिखेंगे और एक्सटर्नली भी दिखेंगे, सिर्फ एक साइड पर दीवार के नहीं दिखेंगे। और यूजुअली ये क्रैक्स दरवाजे और खिड़कियों के पास दिखेंगे। इन डिफरेंसेस को याद रखना क्योंकि आमतौर पर दीवारों में क्रैक्स ह्यूमिडिटी की वजह से भी पड़ सकते हैं, जब दीवारें स्वेल अप करती हैं वो कोई ज्यादा डरने की बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।